सत श्री अकाल अमृतसर पेज न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कृतिका मलिक बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। तो अज आप पहुँच चुके हैं इंग्लिश वर्ल्ड जिथे मैं कह सकती हाँ बच्चों ने बहुत ही वधिया स्कोर लिते ने, बहुत ही वधिया बैंड आए है। अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स के बहुत वधिया बैंड आए हैं। तो अज आप नैन ग्लोबल एनजीओ दे धीरज गिल जी के गलबात करते हैं, जिड़े कि बच्चों मोटीवेट कर आए हैं तो स्पैशली केक लेके आए। पहले तो सर मैं थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी अमृतसर पेज का, मैं आया जी इतने विक्रम खन्ना जी को। देखो जी हज़ारा ही एलट्स बने दे या सेंटर्स, पर अब पहली बार मैं सुने वा शायद कि पहली बार बच्चे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में 30 बच्चे पास हो गए जी। सर मैं कह सकती हूँ ये भी बहुत मोटिवेशनल चीज़ होंगी है कि एनजीओ आया स्पेशली इतने बच्चों को केक कट करवाण एंड मोटीवेट होंगे बच्चे इस चीज़ ना काफ़ी। सर विक्रम मैम जो विक्रम खन्ना जी ना वैसे भी साड़ी एनजीओ की हमेशा सपोर्ट करते, समाजिक कामों से बहुत अगे रेंगे आ। तो मैं चाहना मैं देखो सोचता वा कि इन जो ऑफिस खुले पे आ आईलैट सेंटर वगैरह तो उन्होंने साल लग जाते लोगों को पास होने, इन्होंने फस्ट अटैम्प्ट 30 बच्चे पास कराते हैं। मैं चाहना वा कि बच्चे इतने आन तो इन्हों को एक बार जरूर आके ट्यूशन सेंटर जान, तो फस्ट जो अटैम्प्ट पास हो रहा तो मैं समझता कि तो वधिया गल नहीं हो सकती कोई। थैंक यू सो मच सर। तो हुण आपां विक्रम खन्ना जी दे नाल गलबात करते हैं जो कि ओनर हैगे ने इंग्लिश वर्ल्ड के। सत श्री अकाल सर, मैं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। फैचुलेट करांगी मैं कह सकदी बहुत प्राउड वाली चीज़ हैगी है कि फस्ट अटैम्प्ट अप्रोक्स 30 स्टूडेंट्स आए गए, बहुत वधिया स्कोर लियाए ने। सो पहले तो मैं तुहानूं पुछना चाहूँगी तुहानूं किदां दा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है। सब तो पहले तो मैं थैंक्स करना चाहना धीरज जी का जिन्होंने एनकरेज करन वास्ते साडे कोल आए हैं, एंड जिहड़े साडे स्टूडेंट्स है दैट 30 स्टूडेंट्स नियरली दे हैव गॉट वेरी गुड स्कोर जिहड़े कि फस्ट अटैम्प्ट दे विच ही पास होए हैं, एंड वी फील वेरी गुड क्योंकि उन्होंने जिहड़ी मनी है हार्ड अर्नड मनी ऑफ देयर पेरेंट्स उन्हों एक वैल्यू मिलती है फस्ट टाइम दे विच ही। आईएलटीएस की जिहड़ी टेस्ट फीस है दैट इज़ अगेन वेरी हाई नाउ, दैट इज़ 15,500। तो असं यह चाहते हैं कि जिन्हें भी स्टूडेंट्स है फस्ट अटैम्प्ट के ही अपने आइल्स क्लीयर करन, एंड दिस इज़ अ बेंच मार्क जरा कि 30 स्टूडेंट का असी क्रिएट किया, एंड ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव गॉट द रिजल्ट इन वेरी फस्ट अटैम्प्ट। मैं कह सकती हूँ सर कि स्टाफ भी तुहाडे नाल इत्थे फिलहाल खड़ा होया, मैं कह सकती हूँ स्टाफ ने भी काफ़ी मेहनत की होएगी जाकि बच्चा दे इन्निया वधिया स्कोर आया। मैं कह सकती हूँ बाकी इंस्टीट्यूट भी स्टाफ होंगे ने, बट मे बी स्टाफ का भी काफ़ी वड्डा हाथ है चीज़। साढ़े जो स्टाफ मैंबर है साढ़े फैमिली मैंबर वो कहना इंग्लिश वर्ल्ड फैमिली हैं, तो इन की जी एफर्ट्स है उ जी रिजल्ट ही असी देख सकते जो स्टूडेंट के सूँ मिलता है। तो जे बच्चों पढ़ाते हैं अपने बच्चे समझ के ब्रदर सिस्टर समझ के पढ़ाते हैं, तो इस करके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। तो वैसे सर मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चे जे पास आउट हुए ने मोस्टली किसी कंट्री से ज़्यादा इंट्रस्ट है उन्हों का? ज़्यादातर स्टूडेंट कैनेडा वास्ते इंट्रस्टेड है, तो कुछ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया वास्ते ते यूके वास्ते इंट्रस्टेड है। तो सर वैसे मैं पूछना चाहूँगी कि अप्रोक्स कई बार होंगे बच्चों मुश्किल आती है स्पेशली रीडिंग पार्ट से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, सो यह चीज़ बारे व्यूअर्स को की कहना चाहोगे? ये स्टूडेंट का जरा 5.5 का रिजल्ट है किसी भी एक मॉड्यूल करके कैनेडा 100% रिफ्यूजल है। तो वो स्टूडेंट जे एक तो रिपीट करते रहेंगे आइल्स, कई स्टूडेंट तो एक एक साल हो जाता आइल्स नहीं कर पाते। जो साढ़े को आते हैं तो साढ़े को जी रीडिंग की स्किल डेवलपमेंट की जी क्लासिज है वो थ्रू जरा स्कोर आ मिनिमम 7 या 6.5 आई जाता उन्होंने, तो फस्ट अटैम्प्ट वो क्लीयर भी हो जाते हैं। अदरवाइज कैनेडा का जरा वीज़ा विद 5.5 बैंड इज़ टोटली इंपॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगी जिम्मे कि एक PTI टर्म भी होंगी है, तो मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होंगी है कि आप ऑस्ट्रेलिया वास्ते चलो PTI तक बच्चा कर ही सकता है, कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि कैनेडा वास्ते भी असं कर सकते हैं PTI। कैनेडा के PTI एक्सैप्टिड है लेकिन जो सक्सैस रेट है जो वीज़ा का अभी कही SDS फाइल का होंगे, सो SDS फाइल जिन्या भी होंगे दैट इज दे आर रिक्वायरिंग 6 बैंड्स इन IELTS ओनली। तो जे PTI वाले जे स्टूडेंट जो करते तो है बट उन्हों का जरा सक्सैस रेट है इन्ना हाई नहीं है जिन्ना IELTS वाला है, सो वीज़ा रिफ्यूजल्स आर अगेन देयर बिकॉज ऑफ नॉन SDS फाइल। थैंक यू सो मच सर, एक बार मैं फिर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी तुहानू स्टाफ नू एंड इवन स्टूडेंट्स नू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड एनकरेजिंग अस।
जिवें कि तुसीं देख सकते हो, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि जिहड़े बच्चे इंग्लिश वर्ल्ड आणगे, मैं कह सकती हूँ बहुत वधिया स्कोर वो लैके आणगे। कई बार हुंदा है कि चीज़ प्रूफ करोगे तो असीं विश्वास करांगे, तो मैं कह सकती हूँ इंग्लिश वर्ल्ड ने प्रूफ किया कि जिहड़ा बच्चा इत्थे आएगा बहुत वधिया बैंड बहुत वधिया स्कोर वो आणगे। सो एक बार फिर सारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करांगी। बाकी देखते रहो मेरे नाल अमृतसर पेज न्यूज़।